बिहार जैसी न्यूज हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। जालौन में प्राइवेट बस में बैठने को लेकर दो छात्रों का बस मालिक से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बस मालिक ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर छात्रों के साथ मारपीट कर दी, साथ ही उन्हें बंधक बना लिया। इस घटना की जानकारी जब छात्रों के परिजनों को हुई तो उन्होंने जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। जाम लगाने की घटना एक थाना क्षेत्र के हरदोई गुजर गांव की है। इस गांव के रहने वाले दो छात्र भूरे और रणजीत काम से उरई गए थे। वहां से लौटते समय वे पहुंच जाने वाली प्राइवेट बस में बैठ गए। दोनों छात्रों को बस मालिक ने उतार दिया, जिसको लेकर उनका बस मालिक से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बस मालिक ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर दोनों छात्रों के साथ मारपीट की और उन्हें बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। इस घटना की जानकारी जब छात्र के परिजनों को हुई तो वह बस स्टैंड आ गए और उन्होंने उरई से आने वाली बसों को रोककर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया। इसकी सूचना एड थाने की पुलिस को दी गई। साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हंगामा देख उरई कोंच और जालौन से चार थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया गया और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। दोनों छात्रों के पिता रमेश का कहना है कि उनके दोनों लड़के आ रहे थे, तभी बस मालिक शिबू ने उसके साथ मारपीट की और बंधक बनाकर पीटा। उन्होंने बताया कि बस वाले आए दिन इस तरह का व्यवहार करते रहते हैं, इसलिए जाम लगाया था। वहीं मौके पर पहुंचे कांस्टेबल संदीप वर्मा ने बताया कि छोटा मामला था जिसे शांत करा दिया गया है और जाम भी खुलवा दिया गया है। एक छोटी सी बात थी, किराए को लेकर कोई इशू था। उरई से एक बस चल रही थी जो कि कोच जा रही थी, उसमें यहाँ का ही एक व्यक्ति स्थानीय निवासी से किराए को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें कंडक्टर और बस मालिक ने संभवतः कहा जा रहा है ऐसा कि उसने उसके साथ मारपीट कर दी थी। ऐसी घटना कोई पता इसका नहीं चल सका है, उसी को लेके इन लोगों को कुछ गलत जानकारी प्राप्त हुई, इसको लेके यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों ने यहाँ जाम लगा दिया। मौके पर हम लोग पहुँच चुके हैं और सारा जाम खुलवा दिया गया, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है।